बोर्ड पर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फोटो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे शहीदों को नमन, भारत माता की जय के नारे। ये दृश्य किसी नेता के स्वागत का नहीं, बल्कि भारत के महान सपूत राष्ट्रभक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करने के लिए है। शहीदी दिवस के मौके पर स्वराज इंडिया पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर सविता मुखी अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहीदी मार्च निकाल रही है। रोहिणी के ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से होते हुए रजापुर पीपल चौक तक चलने वाले इस जुलूस में हर गली और मोहल्ले के लोग शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर सविता मुखी क्षेत्र का एक जाना पहचाना नाम है। ये काफी वक्त से स्वराज इंडिया से जुड़ी रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की मूवमेंट में इनकी काफी भागीदारी रही। ये आप पार्टी से भी जुड़ी रही, लेकिन आप पार्टी पर उठते सवालों के बाद ये योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ स्वराज पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। स्वराज इंडिया से तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। ये यात्रा शुरू हुई अन्ना मूवमेंट से, जब उन्होंने फाइट अगेंस्ट करप्शन का जब नारा दिया था तब हम उनके साथ जुड़े, तब हमने कैंडल मार्चेस भी निकाली, सब कुछ निकाला, तो तभी से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद जब केजरीवाल आए तो उनके साथ जुड़े, आपके साथ जुड़े, एक आशा की किरण नजर आई। लेकिन जब योगेंद्र यादव जी ने और अपने प्रशांत भूषण जी ने उनके कार्य करने के तरीकों पे ऑब्जेक्ट किया तो उनको निकाल दिया गया, तो उसी के साथ फिर हम अपने भारत भूषण जी के साथ और श्री योगेंद्र यादव जी के साथ जुड़ गए। दिल्ली नगर निगम के चुनावी मैदान में रोहिणी वार्ड नंबर 60 से स्वराज इंडिया पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर मुखी क्षेत्र की कई समस्याओं की ओर संकेत करती हैं और इन्हें शर्मनाक भी बताती हैं। साथ ही चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं और अपनी प्राथमिकताओं के बारे में भी बताती हैं। ये तो मतलब क्राइम है, अगर कोई डायरिया और चिकनगुनिया और मलेरिया से मर जाता है ये, और दिल्ली जैसे शहर में इतनी महामारी हो, जहाँ पे इतने फंड्स हो, यूटिलाइजेशन नहीं हो, करप्शन के कारण, इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के कारण अगर ऐसा हो रहा है ना, तो बड़ी मतलब शर्मनाक बात है। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवार कई तरह से मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। वहीं रोहिणी के वार्ड नंबर 60 से चुनाव लड़ रही स्वराज इंडिया की उम्मीदवार डॉक्टर सविता मुखी स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जोर दे रही हैं। अब देखना ये होगा कि इस सीट से किस पार्टी के उम्मीदवार जीत दर्ज करते हैं। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि वायदे करने वाले उम्मीदवार जीतने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में क्या क्या विकास कार्य करते हैं। दिल्ली दर्पण के लिए कैमरा पर्सन रवि रोहिल्ला के साथ विद्यानंद मिश्रा की रिपोर्ट।